है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सर्चिंग पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी, बड़ी जानकारी आकर पहुंचा रहे हैं। जहां पर सर्चिंग पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दो नाबालिग सहित 9 नक्सलियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। मानसी क्षेत्र में आगजनी की घटना में शामिल थे सभी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर सर्चिंग पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उस दौरान 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, दो नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। भांसी क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई थी और उसमें ये तमाम शामिल थे, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर सर्चिंग पर निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दो नाबालिग के साथ 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम जो नक्सली हैं वो भांसी क्षेत्र में आगजनी की घटना में शामिल थे और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दंतेवाड़ा से बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजापुर और थाना जिला दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में चिड्रापाल मुंडेर के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति का सूचना, जिसमें कि प्रमुख रूप से कमालूर एलओएस कमांडर सोनू ओयाम, जो कि 20-25 सशस्त्र माओवादियों के साथ उपस्थिति का सूचना मिली, जिस पर जिला दंतेवाड़ा से DRG बस्तर फाइटर, CRPF 111 वाहिनी, F कंपनी परसपाल तथा थाना परसपाल का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुआ था। गश्त सर्चिंग के दौरान फोर्स को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशु सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशु, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान निकले जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान 9 गिरफ्तार किए गए नक्सली, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जो 26 तारीख को जब जो निर्माण कार्य सड़क निर्माण में लगे जो कार ट्रक खड़े थे उनको रात में नक्सली द्वारा आगजनी किया गया था, उसी के लिए जो लगातार पुलिस जो है पड़ताल कर रही थी कि कहाँ कौन से एरिया के जो है नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो उसी के तहत जो है सूचना मिली थी, जो मुखबिरों के द्वारा जो जानकारी मिलती है वो पता चला था कि जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी है, उन्हीं को सर्च करने के लिए जो है पार्टी को रवाना किया गया था नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत। और वहीं पर जब सर्चिंग के दौरान जब जवान पहुंचे तो नक्सली वहां से भाग खड़े हुए, जिन्हें घेर करके जो है पुलिस ने पकड़ा और पता चला कि उनमें से 7 जो है नक्सली जो है वो बालिग हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, उन्हें जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, वहीं 7 को जो है रिमांड में ले लिया गया है। ठीक है, और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या पूछताछ में कोई नई बातें सामने आई है निकलकर? जी बिल्कुल, पूछताछ में जो है उनके ऊपर जितने भी आपराधिक प्रकरण है, पहले के पुराने प्रकरण जो है वो भी निकल करके सामने आ रहे हैं और कबूलनामा जो है वो बनाया गया है और साथ ही साथ आगे की भी पूछताछ जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।